अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओ और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वत थी, दुविधा की तालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्य अभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था, उन्हें राज्य का योग नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। अरे वही जिसके वंशज है श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे, श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सदा अनवरता, जिसने श्री राम का मान प्रशस्त किया आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या तुमने, देखा क्या कितने सकुचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता या दर्प विरक्त होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। पितामह को याद किया, मन असमंजस में था उनका, कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो श्री सूर्यदेव आने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी।